बात करते हैं जाट आरक्षण आंदोलन की। हरियाणा में चल रहे जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान बीजेपी ने प्रदेश को राजनीतिक नुकसान होने से बचाने के लिए मोर्चा खोल दिया है और सूबे को नुकसान से बचाने के लिए पार्टी के कई कार्यकर्ता मैदान में उतर गए हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हरियाणा में जारी जाट आंदोलन से निपटने के लिए सरकार कभी जाट नेताओं से बात कर रही है तो कभी कैबिनेट में मंथन कर रही है। इस बीच आंदोलन के नाम पर सरकार पर हल्ला बोलने वाली इनेलो और कांग्रेस को बीजेपी ने कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही विरोधियों के दुष्प्रचार से निपटने के लिए पार्टी ने गांव-गांव तक अपनी टीम को मैदान में उतार दिया है। 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं की बड़ी बड़ी बैठकें करके कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में जाकर सही असलियत जो है विपक्षी दलों की उनकी षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए कहा गया है और सरकार ने जो अब तक आरक्षण के विषय में किया है उन सब बातों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए निर्देश दिए हैं। सरकार जाट आंदोलन से हो रहे डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है लेकिन विपक्ष सरकार की कोई दलील मानने को तैयार नहीं है। इनेलो और कांग्रेस ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। इस मुद्दे पे भाजपा की कोई रणनीति इसलिए कामयाब नहीं होने वाली है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही इस मुद्दे पे कटघरे में खड़ी है। कांग्रेस का जहाँ तक ताल्लुक है वो हमेशा आरक्षण की पक्षधर रही है। कांग्रेस के ज़माने में ही जाट समुदाय को आरक्षण मिला और ये जब कोर्ट में यदि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो एफिडेविट दिया वो सही होता तो ये मुद्दा ख़त्म हो गया होता और आरक्षण मिल चुका होता। प्रदेश को जलवाया इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती थी, वरना जो बात 23 फरवरी को बोली तो वो 18 फरवरी को बोली जा सकती। आपने खुद वायदा किया, लिखित में उनसे वायदा किया हुआ है, उन्हीं मांगों को पूरा करने के लिए वो धरने पे बैठे हुए हैं। आप ही का किया हुआ वायदा है तो आप पूरा कर दीजिए। बहरहाल जाट आंदोलन से सरकार कैसे निपटती है ये देखना तो अभी बाकी है ही, लेकिन ये देखना भी दिलचस्प होगा कि आरक्षण पर छिड़ी सियासी जंग में बीजेपी को नुकसान होता है या फिर पार्टी और मजबूत होकर उभरेगी। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़।